हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिड रेंज के जितने भी टीवी आते हैं ना, उनमें आपको 20 से 40 वॉट तक का साउंड आउटपुट मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट क्वालिटी तक तो प्रोवाइड कर देता है। बट अगर आप लोग एक म्यूजिक लवर हो या फिर काफी सारी मूवीज देखने का शौक रखते हो, तो एक अल्टीमेट साउंड एक्सपीरियंस के लिए आपको डेफिनेटली एक साउंड बार तो परचेस करना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10,000 रुपीस की रेंज के अंदर 5 ऐसी बेहतरीन साउंड बार्स बताने वाला हूँ, जिनमें आपको एक प्रीमियम लुक के साथ साथ कमाल की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में इंक्लूडेड सारी साउंड बार्स की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इनमें से कोई सी भी साउंड बार आप सबसे कम दामों में अपनी बना सकते हैं। तो अब चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लिस्ट में नंबर 5 पे आती है ब्लैक पंक की तरफ से आने वाली SB002 साउंड बार, जो कि 100 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ में आती है। साथ ही ब्लैक पंक की ये साउंड बार डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करती है। ऑडियो टेक के ऑडियो ड्राइवर्स आपको इस साउंड बार में मिलेंगे, साथ ही डॉल्बी डिजिटल HD साउंड इस साउंड बार के अंदर मौजूद है। ब्लैक पंक की जितनी भी साउंड बार्स होती है ना, उनमें आपको बहुत ही लाउड वॉल्यूम देखने को मिलती है, बट आपको इस साउंड बार में ज्यादा बैलेंस्ड और क्रिस्प साउंड नहीं मिलेगा। बट हाँ, इस साउंड बार का वॉल्यूम है ना, वो बहुत ही ज्यादा लाउड है। इस साउंड बार में आपको 100 वॉट का साउंड आउटपुट मिल जाएगा। एक बंद कमरे में फुल वॉल्यूम पे आप इस साउंड बार को सुन भी नहीं सकते। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ब्लूटूथ ऑक्स केबल और HDMI केबल का कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इस साउंड बार में मिल जाएगा। सो अगर आपको प्रॉपर अपने स्मार्ट टीवी के लिए एक साउंड बार चाहिए ना, तो ये साउंड बार आप ले सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 8,000 रुपीस की ये साउंड बार आपको अमेजन पर मिल जाएगी। लिस्ट में नंबर 4 पे आती है JBL की वायरलेस साउंड बार। अब इस साउंड बार को नंबर 4 पे रखने का केवल एक रीजन है, और वो है कि इस JBL की साउंड बार के साथ आपको कोई भी सबवूफर देखने को नहीं मिलता, बट JBL की साउंड बार में आपको एक बिल्ट इन बेस पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको साउंड में एक बहुत ही कमाल की थंपिंग बेस का एक्सपीरियंस होगा। JBL की ये साउंड बार डुअल बेस पोर्ट के साथ में आती है, साथ ही आपको साउंड बार के साथ में एक ऑप्टिकल केबल और एक ऑक्स केबल फ्री मिलेगी। अगर आपका बजट 6,000 रुपीस के आसपास का है ना, तो ये साउंड बार आपको ले लेनी चाहिए। म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए तो ये साउंड बार बहुत ही कमाल की है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके 6,000 रुपीस की ये साउंड बार ले सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पे आती है जूक की तरफ से आने वाली जूक रॉकर स्टूडियो साउंड बार, जो कि एक सबवूफर के साथ में आती है, और आपको इस साउंड बार में 200 वॉट का पीक साउंड आउटपुट मिलेगा। जूक की इस साउंड बार के साथ जो सबवूफर आता है ना, उस सबवूफर में आपको 70 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा, जो कि एक सबवूफर के हिसाब से एक बहुत ही कमाल का ऑडियो जनरेट कर देता है। ऑडियो ड्राइवर्स की बात करूं तो 2.1 चैनल साउंड के सिनेमैटिक ऑडियो ड्राइवर आपको इस साउंड बार में मिलेंगे, जो कि मूवीज के चलते आपके साउंड को काफी हद तक एनहांस करेंगे। अब इस साउंड बार को मैंने नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि इस साउंड बार में आपको DSP टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और DSP टेक्नोलॉजी की मदद से साउंड की जो क्लैरिटी होती है ना, वो बहुत ही कमाल की होती है। लिस्ट में मौजूद सारी साउंड बार्स से ज्यादा क्लियर और क्रिस्प साउंड आपको इस साउंड बार में मिलेगा। साथ ही मूवीज, न्यूज और 3D सराउंड साउंड के लिए इस साउंड बार में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप अपने विजुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से साउंड बार के ऑडियो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो जूक की ये साउंड बार आपको 8,500 रुपीस की अमेज़न पर मिल जाएगी। लिस्ट में नंबर 2 पे आती है JBL की तरफ से आने वाली इन्फिनिटी सोनिक साउंड बार, जो कि एक वायरलेस सबवूफर के साथ में आती है। अब JBL के जितने भी साउंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो अपने थंपिंग बेस के लिए बहुत मशहूर होते हैं। सो इस साउंड बार में भी आप बहुत ही कमाल के थंपिंग बेस को एक्सपीरियंस करेंगे। 160 वॉट का साउंड आउटपुट आपको इस साउंड बार से मिल जाएगा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूं तो USB 2.0 और ऑक्स केबल का कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इस साउंड बार में मिल जाएगा। साथ ही इस साउंड बार के साथ आपको एक मल्टी फंक्शन रिमोट भी मिलेगा। सो अगर आपकी साउंड में मेन प्रायोरिटी बेस है ना, तो ये साउंड बार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। 8,000 रुपीस की ये साउंड बार आप ले सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पे आती है बोट की तरफ से आने वाली बोट अवांटे साउंड बार, जो कि 120 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ में आती है। साथ ही साउंड बार के साथ आपको एक सबवूफर भी मिल जाएगा। 2.1 चैनल की साउंड कैप्टिवेटिंग टेक्नोलॉजी आपको इस साउंड बार में मिल जाएगी। साथ ही डॉल्बी एटमस और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट आपको इस साउंड बार में मिल जाएगा, जो कि आपके साउंड की क्वालिटी को काफी हद तक एनहांस कर देगा। लुक्स की बात करूँ ना, तो ये साउंड बार एक बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ में आती है। आपके मेन हॉल के लुक को ये साउंड बार काफी हद तक एनहांस कर देगी। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूँ तो ब्लूटूथ 2.0, ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स केबल, USB केबल, ऑप्टिकल केबल, साथ ही USB-C टाइप का कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इस साउंड बार में मिल जाएगा। साथ ही साउंड बार में न्यूज, मूवीज, म्यूजिक और 3D साउंड के हिसाब से अलग अलग साउंड मोड्स अवेलेबल है। सो आप अपने विजुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से इस साउंड बार के साउंड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो बोट की तरफ से आने वाली ये साउंड बार आपको 9,900 रुपीस की अमेज़न पर मिल जाएगी।
सो ये थी कुछ बेहतरीन साउंड बार्स जो कि आपको 10,000 रुपीस की रेंज में मिल जाती है। अब आप मेरी रिकमेंडेशन पूछते हैं ना कि मेरी तरफ से आपको कौन सी साउंड बार लेनी चाहिए। सो मेरी तरफ से अगर आप एक प्रॉपर क्रिस्प और बैलेंस साउंड चाहते हैं ना तो आपको बोट की एवेंटे साउंड बार लेनी चाहिए। इस साउंड बार में डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है आपको और इस साउंड बार में आपको बहुत ही बैलेंस्ड और क्रिस्प साउंड का एक्सपीरियंस होगा। बट अगर साउंड में आपकी प्रायोरिटी बेस है ना तो आपको इन्फिनिटी की JBL साउंड बार लेनी चाहिए। जैसा कि मैं बोलता हूं कि JBL के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो अपने बेहतरीन थंपिंग बेस के लिए मशहूर है और वैसा ही JBL की इस इन्फिनिटी साउंड बार में आपको थंपिंग बेस का एक्सपीरियंस होगा। सो अगर साउंड में आपकी प्रायोरिटी बेस है ना तो ये साउंड बार आप ले सकते हैं। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी साउंड बार ले सकते हैं। सारी की सारी साउंड बार्स आपको वैल्यू फॉर मनी तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी। बट आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।